राज्यसभा में सांसद वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं अमर सिंह। अमर सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, दो इशू हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप पीड़िता कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी साजिश, सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत दुखद है, लेकिन अरविंद सिंह जो समाजवादी पार्टी के बहुचर्चित नेता है और रघुराज प्रताप राजा सिंह के भी अनन्य भक्त और साथी है, ये गोप के सगे साधु, इनके तार समाजवादी पार्टी से, हमारी पुरानी पार्टी से गहरे रूप से जुड़े, तब से बहुचर्चित रहे और बाहुबलियों के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्वच्छता शुद्धता के दल को जो आदर्श पर चलती है, ऐसे विवादित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। और अभी तक वो पार्टी में, बीजेपी में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो सिलसिला शुरू हुआ, पहले रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, उसके बाद उनके परिवार पर हमले होते हैं, और अब जब उनका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक को देखकर सब लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा एक्सीडेंट कराया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। इसका आरोप उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह से पूछिए, वही प्रमाणिक अधिकारी को बताएंगे। अब अपल वालों की हत्या हजरतगंज में हो जाती है, 18 साल का आदमी अलीगढ़ में मर जाता है, इस तरह के कांड होते हैं, सोनभद्र में होते हैं, इसके लिए आप योगी जी और मोदी जी को दोषी नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन की शिथिलता जरूर है, तो डीजीपी ओपी सिंह से पूछिए। लेकिन उनकी जवाबदेही नहीं बनती है अमर सिंह जी, मेरा दूसरा सवाल भी है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? जवाबदेही बनती है तो कुछ कर रहे होंगे, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि इस तरह की घटना उसके राज्य में घटे। अमर सिंह जी एक सवाल और है, क्योंकि मैंने दो विषय आपसे कहा था कि मैं बातचीत करूंगा, आजम खान ने माफी मांग ली है, रमा देवी पर जो उनका बयान था उसको लेकर उन्होंने सदन में माफी मांगी है। रोज माफी मांगते हैं, जयप्रदा जी के अंतर वस्त्रों का रंग बताने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी चुनाव आयोग से, तो उनका काम है महिलाओं का सील हरण और उसके बाद जो है क्षमा मांग लेना, तो चुनाव आयोग ने भी पाबंदी लगा दी थी, माफी मांग ली, अब संसद में माफी मांग ली, एक केस पंजीकृत हुआ था, अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, हमारी पत्नी को काट देंगे, बच्चों को तेजाब से नहला देंगे, तो आजम खान लोगों को पीछे, शरीर के पीछे भाग का होता है, तो वो अपने मुंह से शब्दों का मल त्याग करते हैं, तो कब वो शब्दों का नया मल त्याग करेंगे ये आजम खान को स्वयं नहीं पता, उन्हें डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। बात करने के लिए और दो मुद्दों पर बात रख रहे थे यहाँ पर अमर सिंह, पहला उन्नाव रेप पीड़िता और जो एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर, वो एक तरफ तो यहाँ पर राज्य सरकार का बचाव कर रहे थे, पुलिस पर डाल रहे थे, दूसरी तरफ ये सवाल भी उठा रहे थे कि जो कुलदीप सेंगर है वो आखिर बीजेपी में क्यों बना हुआ है, तो दूसरी तरफ आजम खान की माफी को नाकाफी बताते हुए हमला कर रहे थे और अपने शब्दों में जवाब दे रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।